बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने 1 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने का आदेश दिया है, वो भी तत्काल प्रभाव से। वो किस लिए दिया है ये मैं आपको बताऊंगा कि भारत के पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ ब्लड कैंसर से लड़ रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उनको पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उनको एमरजेंसी फंड क्राइसिस हो गया था, जिसके बाद पूर्व खिलाड़ियों ने, जिसमें कपिल देव भी शामिल हैं और भी पूर्व खिलाड़ी भारत के, जिन्होंने बीसीसीआई से अपील की कि अंशुमन गायकवाड़ की फैमिली की मदद की जाए, उनको इमीडिएट इफेक्ट से फंड रिलीज किया जाए। इस बात का जैसे ही बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को पता लगता है तो सुबह सुबह तत्काल में एक एपेक्स काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि बीसीसीआई की तरफ से 1 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया जाएगा। जय शाह ने, बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह ने उनकी फैमिली से भी बात करी है और बीसीसीआई की मॉनिटरिंग में उनका पूरा इलाज चलेगा। अंशुमन गायकवाड़, आपको बता दें, पूर्व भारतीय खिलाड़ी तो रही हैं लेकिन वो एपेक्स काउंसिल का हिस्सा भी रह चुके हैं और बीसीसीआई की मॉनिटरिंग में उनका पूरा इलाज किया जाएगा। और उनकी फैमिली से भी बात हो गई है कि आगे, इसके आगे भी कोई ज़रूरत होगी, कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, कुछ इलाज की वैसी ज़रूरत होगी, तो बीसीसीआई उसका पूरा ध्यान रखेगा। तो ये कुछ बड़ी खबर बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि आपने देखा है कि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स का कितना ध्यान रखता है, अपने जो खिलाड़ी हैं उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होने देता। अभी हाल ही में आपने देखा था, टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद बाबाडोस में फंस चुकी थी, लेकिन वहाँ पर तूफान आ रहा था, सारे एयरपोर्ट बंद हो गए थे, फ्लाइट बंद हो गई थी, लेकिन यहाँ से, भारत से, बीसीसीआई ने अपना स्पेशल बोइंग विमान भेजा अपने खिलाड़ियों को एयरलिफ्ट करने के लिए। तो बीसीसीआई इस काम में बहुत ज़्यादा आगे रहता है और जैसे ही बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को ये पता लगा तो उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से 1 करोड़ रुपए रिलीज करने का आदेश दिया। और लगातार बीसीसीआई अपने पूर्व खिलाड़ियों की भी इसी तरीके से मदद भी करता रहता है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बीसीसीआई की तरफ से। इस तरीके से आप देखते हैं कि बीसीसीआई का रुतबा इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए बीसीसीआई की इज्जत इसलिए भी बढ़ जाती है कि वो चाहे खिलाड़ी करंट प्लेयर हो या फिर पूर्व खिलाड़ी हो, बीसीसीआई हर समय उनके लिए आगे रहता है। चाहे वो खिलाड़ियों की सैलरी कैप बढ़ाना हो या फिर उनके वुमेन्स क्रिकेट के लिए सैलरी फंड बढ़ाना हो, तो तमाम तरीके की चीज़ें बीसीसीआई की तरफ से होती रहती है। तो फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि बीसीसीआई ने पूर्व खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने का आदेश दिया है और इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आगे लगती है तो बीसीसीआई उसके लिए सदैव खड़ा रहेगा।